वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आपके लिए हेयर से रिलेटेड वीडियो लेकर आ गई हूँ। और सर्दी जुकाम हो रहा है तो गला थोड़ा सा हो रहा है खराब, उसको माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ मैं आज करने वाली हूँ अपनी हेयर की मसाज, मतलब ऑयलिंग करूँगी, वो भी सरसों के ऑयल से, जिसमें कि हम खाना बनाते हैं, बहुत सारे घर में खाना बनता है सरसों के ऑयल में, हम तो नहीं बनाते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें, ये लॉरियल का है, इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला हुआ है, देख सकते हैं, येलो येलो सा दिख रहा होगा। अगर आपके हेयर ज़्यादा ही टूट रहे हैं या फिर ज़्यादा ही बाल झड़ते हैं, जब आप कंघी करते हो उसमें बाल ही बाल आ जाते हैं, तो आप सरसों का ऑयल लगा सकते हैं। ये हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आज मैं अपने हेयर में सरसों का ऑयल लगाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें ऑयल लगाने से पहले अपने बालों में करना है कंघी, तो मैं ये वाली कंघी ले रही हूँ, इससे मैं अपने बालों में कर लूंगी कंघी। और गाइस, एक बात ध्यान रखिए कि इस टाइप की कंघी आप यूज करिए, ये बहुत ही अच्छी होती है, इसे बाल नहीं टूटते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इस टाइप की अगर आपके पास कंघी है तो वो यूज करिए। और अगर इसमें भी वो जो आती है ना वुडन की, लकड़ी की जो कंघी आती है, वो भी बहुत बेस्ट होती है। अगर वो है आपके पास तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है तो इस टाइप की भी चलेगी, ये भी बहुत अच्छी होती है। इससे अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो इससे आपके बाल बहुत कम टूटेंगे। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं जब भी हेयर मतलब वॉश करके आती हूँ तो सबसे पहले मैं इससे कंघा करती हूँ, उसके बाद में छोटे जब भी हेयर स्टाइल वगैरह बनाते हैं तो भी मैं इससे कर लेती हूँ, इतना कोई वो दिक्कत नहीं आती है। बट इससे हेयर बिल्कुल भी नहीं टूटते, और आपको हेयर को इस टाइप से कॉम करना है। और जब भी आप ऑयलिंग करें ना, तो उसके पहले ही अपने बालों को अच्छे से सुलझा ले, ताकि बाद में हमको ऑयलिंग करने के बाद में बालों को नहीं कॉम करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पे कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा टाइम हो गया, मैंने कॉम नहीं किया है मतलब बालों में, तो मैंने सोचा कि ऑयलिंग के पहले थोड़ा सा कॉम हो जाए तो अच्छा रहेगा, उसके बाद हम ऑयलिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी ऑयल, और आज मैं हाथों में लेकर नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट अप्लाई करूंगी मैं और मसाज करूंगी। और रूट्स में लगाना है अच्छे से सरसों का ऑयल, बहुत बेनिफिशियल होता है ये हेयर के लिए। ज्यादा नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि भर भर के ऑयल लगा लेंगे तो आपके दो दिन में ही बाल टूटना बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अच्छे से मसाज करना है। और आज मैं अपने दीदी से नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि वो फ्री नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही ऑयलिंग कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और वो साइड से बोल रहे है कि मैं खाना बना रही हूँ, तो इतनी गर्मी में लड़की मुझसे खाना बनवा रही है, इसको शर्म नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी तो गर्मी आई भी नहीं, उसके पहले ये ताने सुनने को मिल गए हैं कि मुझसे खाना बनवाया जा रहा है, तो बाद में क्या होगा यार। मुझे ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है और मुझे गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए मैं आज मोनाली जंप भी नहीं कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। और मैंने इसको बोला कि पंखा चालू कर दे, इस लड़की ने वो भी काम नहीं किया, ये लड़की है ही पागल। जो मैं फैन ऑन कर देती गाइस, इनको गर्मी लग रही है तो उसमें आवाज नहीं आती ना फिर आपको क्लियर, फिर पंखे की आवाज आती, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते कि माही बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ यार। वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, गर्मी भी सहन करना पड़ती, फिर भी लोगों को क्या लगता है यार, इनकी लाइफ तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कैमरा उठा और वीडियो बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। कैमरा लेके साथ साथ में काम करते, जो काम एक घंटे में होना होता है ना वो चार घंटे में होता है। जब हम खाना बनाते ना, तो जो खाना आधे घंटे में बनता है ना वो ही हम शूट करते, तो वही खाना हमारा डेढ़ घंटे में बनता है, तो सोच लीजिए कि कितना टाइम वेस्ट होता है। फिर भी लोगों को जैसा लगता है वैसा वो सोच सकते हैं, किसी की सोच पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलो ऑयलिंग कर लेते, बातें बहुत हो गई है।
लोगे, जिसको भी खाना वहां जाओ। एक साथ ही ऑयल को अच्छे से लगा लेती हूँ उसके बाद में अच्छे से। और आपको ऐसा लग रहा होगा दूर से कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं ज़्यादा डालूंगी ना तो फिर ज़्यादा ऑयली वो हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। खुद से ही चम्पी कर रही हूँ ना तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है आज, पता नहीं क्या ही हो रहा है, बट क्या करो यार। ही अपने बारे में कॉम कर लेती हूँ। अगर यही वीडियो अगर हमारा सुबह शूट करें तो कितनी आवाज आती है? हाँ सुबह तो सब्जी ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो, हमारे यहाँ तो सुबह से ही मतलब उठते से ही सब्जी वाले, सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, कपड़े वाले, ये ले लो वो ले लो। हम क्या पैसे ही खरीद मतलब पैसे ही खर्च करते रहेंगे कि यार ये ले लो वो ले लो पूरे दिन भर? अपनी गली में तो कुछ ज्यादा ही आते हैं। बस गाइस मैं ज्यादा मसाज नहीं करूंगी और अब मैं बना लेती हूँ चूड़ा, आपकी भाषा में बस बना लेती हूँ। और मेरा क्लेचर दिख नहीं रहा है तो उसको ढूंढते हैं। सो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।